दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं पूरी की फेमस रेसिपी खाजा। ये खस्ता करारी सी खाजा की जो रेसिपी है, मैंने पहली बार ट्राई किया और पहली बारी में ना ये परफेक्ट बना था, बहुत ही बढ़िया टेस्ट था। आप सब भी ट्राई करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, इसमें एक दो मुझसे गलतियाँ भी हुई है, बाकी तो ये खाजा बहुत ही बढ़िया टेस्टी था। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ बस आपको लेना है 3 कप मैदा। वीडियो में आपको सिर्फ 2 ही कप दिखेगा, क्योंकि ये आटा ना मैंने गुजिया के लिए लगाया था। जो आटा मैंने खाजा के लिए बनाया था ना, वो वाली वीडियो मुझसे गलती से डिलीट हो गई। सेम इसी तरीके से आपको लेकिन आटा लगाना है, 3 कप मैदा लेना है, चुटकी भर नमक डालना है और उसमें ना आधा कप जितना ही आपको घी हो या फिर तेल हो या फिर डालडा आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने डालडा यूज़ किया था। सभी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पास मिक्स कर लेंगे। मोइन बोलते हैं कि मोहिन क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आपको वो लगाना है, थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं तेल को आप। और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छा सा डो लगा लिया था। जैसा रोटी के लिए बनाते हैं ना, वैसा हमको आटा लगाना है, एकदम ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, थोड़ा सा हार्ड रखना है। तो यहाँ पास नॉर्मल पानी लिया है मैंने, कोई भी गुनगुना पानी नहीं लिया है। अब जो हमारा डो रेडी है, इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब आटा बेलने से पहले थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पास मैंने लिया है 2 चम्मच डालडा, इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं और तेल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने डालडा का यूज़ किया है। 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है, जितना आप डालडा या घी जो भी लेंगे उतनी क्वांटिटी में आपको मैदा भी लेना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो आटा हमने गूंथ के रखा था, उसे फिर से एक बार अच्छे से गूंथ लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पास ना मैंने बड़ा बड़ा सा गोला बनाया है, क्योंकि रोटी जो है वो मुझे एक ही बारी में बनाना था। ज़्यादा छोटा छोटा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता और बहुत सारा मुझे रोटी बेलना पड़ता। और आप जो रोटी बेलेंगे ना, उसे एकदम ज़्यादा पतला पतला रखना है, जैसे रुमाली रोटी होता है ना, उतना आपको पतला इसे रखना है। ये देखिए, जितना ज़्यादा पतला हो सके उतना ज़्यादा मैंने इसे पतला बेल लिया। थाली पे थोड़ा सा मैंने मैदा डाला, उसके ऊपर मैं ये रोटी रखी। और जितनी बार भी मैंने रोटी बनाई ना, तो प्लेट में रखने से पहले मैंने मैदा डाल के ही जो एक्स्ट्रा रोटी है उसे उसके ऊपर रखते गई हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग भी बोर हो जाते, इसीलिए मैंने कट कर करके दिखाया है। नॉर्मली आपको बेलना है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला मैंने इसे बेला था। यहाँ पास पेस्ट लगाएंगे, जो डालडा और मैदा वाला पेस्ट बनाया था हमने, उसे लगाएंगे इसके ऊपर में। मैं हाथ से इस पेस्ट को इसके ऊपर में लगाऊंगी, क्योंकि ब्रश से बिल्कुल भी लगाते नहीं बनता और ना ही चम्मच से, क्योंकि जो मेरा पेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा थिक था, इसीलिए मैंने हाथ से लगाया और हाथ से बहुत अच्छे से भी लगता है। और यहाँ पास ना रोटी इतना ज़्यादा पतला था कि कई बारी पेस्ट लगाते लगाते ना ये फट जा रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी तो इसे रोल होना ही है, फटता भी है पता नहीं चलेगा। अच्छे से सभी जगह पे मैंने ये पेस्ट लगाया, ऐसे ही करते करते मैंने पूरे जो लेयर थे उसमें लगा लिया। वीडियो लंबी होती इसीलिए मैंने इसे शॉर्ट कर दिया। यहाँ बस मैंने टोटल 4 लेयर किए थे और इस तरीके से अच्छे से दबाते हुए ना इसे रोल कर लेंगे। मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैंने इसे इस तरीके से दबा के रोल तो किया था, थोड़ा सा इसे लंबा किया था, लेकिन जो साइड वाला जो हिस्सा है ना, उसे मैंने अच्छे से नहीं दबाया था, क्योंकि फ्राई करते हुए इसके जो परत है वो निकलने लग गई थी। तो आप याद रखना, जो साइड वाला हिस्सा है उसे आपको अच्छे से दबाना है। यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में आपको कट कर लेना है। याद रखिए, ये फ्राई होने के बाद बड़ा हो जाएगा, उसके हिसाब से आप इसके पीस जो है वो कट करिएगा। और सेम इसी तरीके से मैंने एक और रोल बनाया था, टोटल मैंने 2 रोल बनाए थे। इसी तरीके से इतने ही आपको और पीस मिल जाएंगे 3 कप मैदा से। अब यहाँ पास देखिए, जो खाजा की लेयर है वो कितनी अच्छी बनी है, बहुत सारी लेयर बनी है। अब इसे कैसे करना है, हल्का सा आपको प्रेस करना है या फिर हल्के हाथों से आप बेल भी सकते हैं। यहाँ पास ना मैंने ज़्यादा ही दबा दिया, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियो देखे थे ना, उसमें कुछ ज़्यादा ही दबा दे रहे थे या ज़्यादा बेल दे रहे थे, तो उसके हिसाब से मैंने बनाया। लेकिन मुझे लग रहा था कि ऐसे में बनाऊंगी तब तो ये फूलेगा ही नहीं, इसकी परतें निकलेगी नहीं, इसीलिए मैंने 2 तरीके से बनाए थे। पहले मैंने एक सिफ्ट तल के देखा, उसके बाद मुझे पता चल गया कि इसे बनाना कैसे है। तो मैंने ना 2 टाइप के बनाए थे, आप देख सकते हैं, एक ज़्यादा मैंने प्रेस किया था और एक कम प्रेस किया था। तो जो मैंने कम प्रेस किया था, जो ये मैंने 2nd टाइम डाला ना, उस शेप में आपको बनाना है। बस हल्का सा आपको दबाना है और ऊपर नीचे दोनों साइड से ज़्यादा आपको प्रेस करना है, उसे ज़्यादा दबाना है। तो क्या है, तलने के बाद भी उसका शेप वैसा ही रहेगा, बस साइज़ में वो बड़ा हो जाएगा।
और जो मैंने ज़्यादा दबाया था ना वो लग रहा था कि फूलेगा नहीं या फिर परत नहीं निकलेगी, लेकिन उसकी परत भी निकली थी। मैं बोलती हूँ मेरी सुनने से पहले आप एक बार एक्सपेरिमेंट खुद से करो, एक ज़्यादा प्रेस करके देखो, एक कम प्रेस करके, आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरीके से बनाओ। यहाँ पर जो साइड जो मैंने रोल से निकाला था ना, साइड साइड वाला हिस्सा, उसकी जो परत है वो निकल गई थी और बाकी सब तो अच्छा खासा ही बना था। इसे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया था। अच्छे से जब ये ब्राउन हो गया उसके बाद मैंने इसे बाहर निकाल दिया और साइड पे ना मैंने चाशनी भी बनाई थी, पर वीडियो ना पता नहीं कैसे यार मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई। एक तार की चाशनी बनानी है। चाशनी बनाने के लिए आपको 2 कप शक्कर, 1 कप पानी लेना है, 5 से 6 आपको इलायची लेना है, उसे अच्छे से कूट के आपको चाशनी में डाल देना है। केसर है तो केसर डाल दीजिए, कलर है तो कलर डाल दीजिए, फूड कलर, और उसे अच्छे से एक तार की चाशनी बना लीजिए। और हो सके तो उसमें छोटा सा नींबू का टुकड़ा भी डाल दीजिएगा, एक जो छोटा सा राउंड वाला स्लाइस होता है ना वो आपको डाल देना है, उसे अच्छे से पका लेना है। अब यहाँ पास मैंने सेकंड शिफ्ट और तलने के लिए डाल दिया, ऐसे ही मैंने बहुत सारे बना लिए थे। और जब ये अच्छी तरीके से जब ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसमें चाशनी में डिप करेंगे। ये रहा हमारा पूरा खाजा जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया, ठंडा भी हो गया है। आप देख सकते हैं 3-4 पीस ही ऐसे हैं जो कि परत जो है वो खुली हुई है, बाकी बहुत ही अच्छे से बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना था। जब ये अच्छे से ठंडा हो गया फिर हम इसमें चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी में से मैंने नींबू का जो पेस्ट था उसे बाहर निकाल लिया है। इसे 3-4 सेकंड के लिए बस अच्छे से चाशनी में डिप करेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। और इस खाजा को महीने भर तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा दिन तक अगर आपको स्टोर करके रखना है तो आप बिना चाशनी में डिप किए इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये खाजा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग भी ट्राई करें और मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन ज़रूर करें, और नेक्स्ट मैं कौन सी रेसिपी बताऊं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।